The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So we are going to talk about colitis. What is colitis? Colitis ka matlab hai aapke colon. Colon matlab आपके बॉवल्स की लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कोलन जिसको बोलते हैं वो है लार्ज इंटेस्टाइन. जो लार्ज इंटेस्टाइन आपके आपके पेट में होता है उसको हम कहते हैं कोलन, राइट. और कोलाइटिस का मतलब है उसका इन्फ्लामेशन. एनीथिंग जिसमें आइटिस लगता है वहां पे होता है इन्फ्लामेशन. सो कोलाइटिस दैट इज इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन, ओके. अब किसको नहीं पता लार्ज इंटेस्टाइन मतलब बड़ी आंत. आपके पेट में छोटी आंत, बड़ी आंत, यहां बात हो रही है बड़ी आंत. बड़ी आंत के बारे में बातचीत हो रही है लार्ज इंटेस्टाइन. सो ज्यादातर केसेस में अब ये बात आएगी कि भाई क्यों हो रहा है कोलाइटिस, राइट. सबसे बड़ी बात कि भाई मेरे को अगर कोलाइटिस है तो क्यों है. ये बात याद रखिए, ज्यादातर केसेस में कॉज बहुत सारे होते हैं, अननोन होते हैं, बिकॉज अननोएबल होता है. बिकॉज कई बार कुछ ऐसे चीज हम खा लेते हैं जो अंदर जाके इरिटेट करने लगता है और लिटरली कोलोन को इरिटेट करके कोलाइटिस कर देता है. सो एनीथिंग, लिटरली मैनी थिंग्स कैन कॉज कोलाइटिस, बट द मोस्ट कॉमन कॉजेज आर ऑब्वियसली बात है इन्फेक्शन कैन कॉज कोलाइटिस. एक वायरल इन्फेक्शन कोलाइटिस कर सकता है, या एक पैरासाइट बैक्टीरिया कोलाइटिस कर सकता. ऑब्वियसली बैक्टीरिया या पैरासाइट आएगा कहाँ से, आपके हाथों से या खाने पीने से. ऑब्वियसली चीज है वायरस ऐसी चीज है जो उड़ पे आ सकती है हवा में, लेकिन बैक्टीरिया और वायरस आपके आएंगे खाने पीने से. फूड पॉइजनिंग से होगा आपको कोलाइटिस. और देर आर डिजीजेज लाइक अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रॉन्स डिजीज एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस. ये इन्फ्लामेशन है छोटी आंत के एंड का या बड़ी आंत की शुरुआत का, उसको कहते हैं क्रॉन्स डिजीज. और पूरी बड़ी आंत का इन्फ्लामेशन उसको कहते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस. एंड देर इज वन बिग इंपॉर्टेंट थिंग, कई बार जैसे आपको दिल को जाने वाली खून की नस में ब्लॉकेज हो, जैसे अटैक हो जाता है, वैसी ही आपके इंटेस्टाइन्स, आपके छोटी बड़ी आंतों को जाने वाली खून की नसों में भी ब्लॉकेज हो सकता है. वहां भी क्लॉट आ सकता है, वहां भी इस्चीमिया हो सकता है. नाउ इस्चीमिया इज बेसिकली कि ब्लड नहीं जा पा रहा. सो उस केस में वहां पर लैक ऑफ ब्लड फ्लो हो जाएगा, उसको बोलेंगे इस्चीमिक कोलाइटिस. क्योंकि ब्लड नहीं जाने से भी वहां इन्फ्लामेशन होगा, उसको बोलेंगे इस्चिमिक कोलाइटिस. मजा आ रहा है, लाइक का बटन दबाते जाना है. और कोई रेडिएशन थेरेपी ली है किसी प्रकार की, पहले कभी कोई कैंसर के लिए रेडिएशन लिया, कोलाइटिस हो जाएगा. देर इज वन वेरी डेंजरस फॉर्म ऑफ कोलाइटिस कॉल्ड, जिसमें लिटरली छोटी आंत बड़ी आंत जो है मरने लगती है, नेक्रोसिस हो जाता है. नेक्रोसिस इज द डेथ ऑफ सेल टिश्यूज. सो नेक्रोटाइजिंग एंटरोकोलाइटिस, ये बच्चों में ज्यादा होता है, न्यूबॉर्न्स में ज्यादा होता है. न्यूबॉर्न्स में डेंजरस डिजीज है नेक्रोटाइजिंग एंटरोकोलाइटिस. इट्स अ डिफरेंट टॉपिक, उसके और कारण हैं दूसरे, बट ये न्यूबॉर्न में ज्यादा हो, बट ये भी कोलोन में ही हो रहा है. उसके बाद देर आर सम काइंड ऑफ बैक्टीरिया. एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है क्लॉस्ट्रीडियम डेफिसिल. क्लॉस्ट्रीडियम डेफिसिल नाउ ये क्या करता है, सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस, मतलब अंदर कोलाइटिस करता है, इंफेक्शन करता है, इंफ्लामेशन करता है वहां पे मेम्ब्रेन्स, लेकिन सूडो मेम्ब्रेन बना दे, इसलिए इसको कहते हैं सूडो मेम्ब्रेन. अलग अलग प्रकार के इंफेक्शन हो रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली हर एक चीज आपके बड़ी आंत पे जाके इंफ्लामेशन कर रहा है, ठीक है. लेकिन ये भी बात समझने वाली है कि बड़ी आंत में नॉर्मल बैक्टीरिया भी है, छोटी आंत में भी है, आपके मुंह में भी है, आपके फूड पाइप में भी है, हर जगह, आपके स्किन में भी है, हर जगह नॉर्मल फ्लोरा होता है. इंफेक्शन तब होता है जब ये नॉर्मल फ्लोरा हट के
दूसरा कुछ घुस जाता है, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई फंगस, कोई पैरासाइट, कुछ भी, तो दूसरा कुछ चला जाता है, तब होता है इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लामेशन। सो अगर ऐसा कुछ हो गया, खुदा ना खास्ता आपने खा लिया रेडी में से गोलगप्पे या रेडी में से खा लिए कुछ ना कुछ, तो भाई साहब एकदम से कोई बैक्टीरिया, कोई फंगस, कोई वायरस आपके अंदर घुस गया, हेपेटाइटिस ए इस तरह से घुस सकता है, हेपेटाइटिस ए। जी हाँ, और इससे क्या होगा, आपको हो गया कोलाइटिस। कोलाइटिस से सिम्टम क्या आएंगे? सिम्टम नंबर वन, पेट में दर्द, पेट में दर्द, ब्लोटिंग हो सकता है, जो बीच में आएगा जाएगा, कम एंड गो हो सकता है, लगातार रह सकता है, और कोलन में इन्फ्लामेशन इतना बढ़ सकता है कि आपके लैट्रिन में, आपके स्टूल में, आपके फीसेस में, आपके मोशन में ब्लड आ जाएगा। ब्लड जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि ब्लड आएगा, लेकिन आया तो वो कोलाइटिस है, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज, समथिंग और दी अदर। सो देन जब कोलन में इरिटेशन होगा, जुर 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 इरिटेशन, इन्फ्लामेशन, तो आपको वहां बहुत सारा पानी भी निकलेगा, जैसे कि हर जगह जहां चोट लगती है वहां से पानी निकलता है, मुंह में चोट लगती है तो पानी आता है, वैसे ही वहां पे भी पानी आता है, तो पानी ज्यादा छोड़ेगा तो, और साथ में मूवमेंट भी बढ़ जाएगी, तो आपको बॉवल मूवमेंट की अर्ज ज्यादा होगी, यानी अभी आई अभी आई अभी आई जाना है, समथिंग लाइक दिस। सो दैट इज कॉल्ड टिनिस्मस। टिनिस्मस इज द नेम ऑफ गिवन टू दिस काइंड ऑफ बॉवल अर्ज टू हैव अ बॉवल मूवमेंट काइंड ऑफ अ फीलिंग। और ये होगा, और होगा आपको कभी कभी लूज मोशन, लूज मोशन ज्यादा, डायरिया ज्यादा हो जाने से, डिहाइड्रेशन, और साथ में इन्फेक्शन से फीवर भी हो सकता है, बैक्टीरियल में ज्यादा फीवर होगा, वायरल में वायरल में भी हो सकता है, पैरासाइट में भी पॉसिबल, थोड़ा बहुत फीवर इज पॉसिबल। सो फीवर हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, डायरिया हो सकता है, ब्लडी स्टूल हो सकता है, आपको टिनिस्मस हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है। सो ऐसा कुछ है तो डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर क्या करेगा, हिस्ट्री लेंगे, एक फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, पेट दबा के देखेंगे, पूछेंगे कि सिम्टम कब से है, कितने सिवियर है, और डायरिया है क्या, ब्लीडिंग हुई क्या, कहीं ट्रैवल किया क्या, बाहर का खाया क्या, एंटीबायोटिक ले रहे हो क्या, कोई टेस्ट करवाया क्या, और जरूरत पड़ी तो नीचे से ट्यूब डाल के अंदर देखना पड़ सकता है, दैट इज डायग्नोस्टिक एंडोस्कोपी, फ्लेक्सिबल कोलोनोस्कोपी या सिग्मोइडोस्कोपी की जा सकती है। इससे पता किया जा सकता है कि आपके किस जगह पे इन्फ्लामेशन है, छाला है, अल्सर है, बायोप्सी की जा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन क्या है कोलाइटिस। इसके अलावा और भी टेस्ट की जरूरत पड़ सकती है विच कैन आइडेंटिफाई कोलाइटिस, लाइक MRI ऑफ द एब्डोमेन, सीटी स्कैन ऑफ द एब्डोमेन, स्टूल का कल्चर, लैट्रिन का कल्चर, कि उसमें कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा वायरस, कौन सा क्या है, और स्टूल एग्जामिनेशन की जा सकती है ओवा और सिस्ट और पैरासाइट के लिए। जी हाँ, जब पैरासाइट आपके इसमें होते हैं तो निकलते भी हैं, इसलिए कीड़े आते हैं, लैट्रिन में कीड़े आ रहे हैं क्या, पूछते हैं। सो दैट आर दीज थिंग्स, राइट, एंड बेरियम एनीमा भी किया जा सकता है। सो अल्टीमेटली इन सभी चीजों से साम दाम दंड भेद कैसे ना कैसे पता किया जाता है कि क्या है आपके अंदर, कौन है, कौन है जो कोलाइटिस कर रहा है, और जिस उसके हिसाब से जो है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होगा, ना आपके हिसाब से ना मेरे हिसाब के होगा, किसके हिसाब से, जो इन्फेक्शन कर रहा है, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, पैरासाइट, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होगा। सब कुछ एक साथ नहीं दे सकते, इसलिए हिस्ट्री के बेसिस पे एम्पिरिकल ट्रीटमेंट शुरू किया जा सकता है जब तक कल्चर आ रहे हैं, लेकिन दैट इज बाय योर डॉक्टर, नॉट बाय यू। भाई साहब चलो, ट्रीटमेंट डिपेंड्स अपॉन द कॉज, एंड कॉज विल डिपेंड अपॉन द इन्वेस्टिगेशंस, एंड आउटलुक इज डिपेंडिंग अपॉन किस प्रकार का, अगेन आउटलुक भी डिपेंड करेगा, कितनी जल्दी प्रॉब्लम आएगी। कॉम्प्लिकेशंस आर पॉसिबल, यस पॉसिबल, क्या ब्लीडिंग इज अ कॉम्प्लिकेशन, परफोरेशन हो सकता है, अल्सर, छाले, खून बहते बहते छेद हो सकता है आपके कोलन में, आपके लार्ज इंटेस्टाइन में, आपको वहां अल्सर्स बनेंगे, अल्सर्स नीचे भी अल्सर्स बन सकते हैं, टॉक्सिक मेगाकोलोन नाम की बीमारी हो सकती है। सो भाई साहब कभी भी लैट्रिन में खून आ रहा है, डायरिया, वॉमिटिंग, पेट में दर्द हो रहा है, जाके टेस्ट करा लो, खुश रहोगे, जल्दी इलाज हो जाएगा। तो दिस इज कोलाइटिस,
ट्रीटमेंट के लिए कोई नुस्खा मत इस्तेमाल करने बैठ जाना, बिकॉज ये नहीं बोल सकते कि किस प्रकार का कोलाइटिस है। अलग अलग प्रकार के कोलाइटिस अलग अलग प्रकार के डेंजर्स पालते हैं, सो डोंट टेक अ रिस्क, गो टू अ डॉक्टर। द बेस्ट टाइप ऑफ डॉक्टर फॉर दिस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम आर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट्स। शेयर द वीडियो एंड आस्क अ क्वेश्चन।